दर्द दिल के उनका, अरे सुना तो ना बा कि आज ना तो काल मिलबू, अरे बानिए ही आस में। मान लीजिए आपके फादर कहते हैं कि नहीं मुझे सिंगिंग की लाइन पसंद नहीं है, आप इस लाइन में ना जाओ, तो आप ये लाइन चुनोगे या फादर को चुनोगे? नमस्कार, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है आपके ही चैनल चर्चा में। और आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए बिहार के बक्सर जिले से आए हुए हैं जोगी जोगेंद्र जी। तो आइए आज इनके साथ चर्चा करते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार सर। आप सिर्फ चर्चा में ही शामिल होने के लिए बक्सर से इतनी दूर चल के आए हैं या कोई और आपका रीजन, कोई कार्य है दिल्ली में? नहीं, मैं चर्चा में अपने जैसे कि इंटरव्यू के माध्यम से अपने सिंगिंग को दिखाना चाहते हैं कि क्या मेरी आवाज़ में वैसा है, मैं कुछ कर सकता हूं या नहीं। इसके पहले आपने कुछ संगीत में पहले किया है? नहीं सर, अभी मैंने कुछ नहीं किया है, स्टूडेंट लाइफ से गुजर रहे थे तो सोचे कि जिंदगी है, क्यों ना एक बार मौका देखा जाए, रिस्क लेके देखा जाए। जी, रिस्क है तो सिक्स है, रिक्स है तो फिक्स है। अभी क्या पढ़ रहे हैं आप? अभी मैं इंटर साइंस ले किया हूँ और इसके बाद बीए कर रहा हूँ। अभी ये करने के बाद मैंने जैसे कि बीएड करेंगे, टीचर के ट्रेनिंग के लिए मैंने अप्लाई कर रहे थे। तो आप भोजपुरी गाने वगैरह भी गाते हैं, लाइक करते हैं? जी, भोजपुरी को मैं बहुत पसंद करता हूँ। कहीं आपने स्टेज वगैरह भी किया है, कोई मंच वंच शेयर किया है किसी के साथ? नहीं सर, अभी तो वैसे कोई मंच नहीं मिला है जहाँ पर मैं अपनी आवाज़ को शेयर करूँ। वैसा मैंने हमको स्टेज नहीं मिला है, अगर मिलेगा तो मैं जरूर अच्छा परफॉर्मेंस कर दिखाऊंगा। अभी तक किसी स्टूडियो वगैरह में आपने विजिट नहीं किया है, कहीं गए नहीं हैं? गए हैं, मगर जैसे कि होता है ना कि जैसे कि मनी प्रॉब्लम की वजह से हम गाना नहीं गा पाए हैं। अच्छा, पैसे की वजह से हम गाना नहीं गा पाए हैं या क्या हुआ कि जैसे गए हैं घूम कर आया गए हैं। तो आपके फैमिली में कौन कौन है? हमारे फैमिली में हम तीन भाई हैं, माता पिता हैं, तीन सिस्टर हैं मेरी। तो जो आपका अभी स्टूडेंट लाइफ चल रहा है तो पैसे पढ़ाई में कौन लगाता है? पिताजी देते हैं। पिताजी देते हैं। अभी आप दिल्ली आए हैं तो अपने फादर को आप इन्फॉर्म करके आए हैं, बता क्या है, बिना बताया है? नहीं, जैसे बक्सर में हम पढ़ाई करते हैं तो हम किसी को बताए नहीं है, बक्सर से ही डायरेक्ट यहाँ पर आ चुके हैं। जो पिता आपके लिए दिन रात खट रहा है, पढ़ाई करा रहा है, तो आप बिना बताए उसको दिल्ली क्यों आ गए? क्योंकि कुछ अपनी पर्सनल लाइफ भी है जो कि मैं अपने कुछ करना चाहता हूं, तो हो सकता है कि मैं उनसे कहूं तो उस चीज़ों को मैंने दबा दें, इसकी वजह से मैं घर पर नहीं बता कर आया हूं। अपनी कुछ चीज़ें होती है, अपनी लाइफ है, कुछ अपना भी हक बनता है ना करने के लिए। आपको लगता है कि आपके जीवन में जिससे आपका जीवन सुंदर हो सकता है, सवर सकता है, आपके पिता, आपके जन्मदाता, आपके भगवान हस्तक्षेप करेंगे, मना करेंगे आपको? मना तो नहीं करेंगे, मगर जैसे कि उनका कहना है कि आप नौकरी कीजिए, मगर मैं सोच रहा हूँ कि नौकरी से भी बेहतर कुछ कर सकते हैं जीवन में अगर आप चाहें तो। बहुत ऐसी स्टेज है जहाँ पर हम बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि अभी सिंगिंग लाइन भी है, बिजनेस लाइन भी है, कहीं मन के चलिए कि अपना बिजनेस को डेवलप करते हैं तो वहाँ पर भी पैसा कमा सकते हैं। मैंने बहुत सारी जगह बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए होता है, दिमाग या पैसा? पैसा और मनी, दिमाग और पैसा दोनों की जरूरत पड़ती है, दोनों चाहिए होता है। तो सिंगिंग लाइन में आने के लिए क्या चाहिए होता है? इसमें भी अपना सिंगिंग के साथ साथ मनी भी चाहिए। गला नहीं चाहिए? गला तो चाहिए। संगीत की शिक्षा नहीं चाहिए? चाहिए। क्या आपने उसके लिए कुछ प्रयत्न किया, कुछ सीखा, कहीं गए? कहीं गए नहीं है सर अभी। चर्चा में आने से आप सिंगर बन जाएंगे? चर्चा में आने से हम सिंगर नहीं बनेंगे, मगर चर्चा एक प्लेटफार्म है तो कुछ ना कुछ तो जरूर हमें रास्ता बताएगी कि हाँ आप ऐसे कीजिएगा तो ऐसा हो सकता है। कुछ तो कुछ हम उम्मीदें लेकर आए हैं यहाँ पर, तो जरूर हमारी उम्मीदें तो यहाँ पर पूरी होंगी ही होंगी। चलिए, बहुत आपका शुक्रिया कि आप चर्चा को ऐसा प्लेटफॉर्म मानते हैं कि यहाँ से आपकी नैया पार लग सकती है। इसके तहे दिल से आपका और जितना चर्चा का परिवार देख रहा है सबको हृदय से नमन करते हुए पूरी चर्चा टीम आपका शुक्रिया अदा करती है। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप जिस लिए आए हैं हम भी आपका सिंगिंग का टैलेंट देखना चाहते हैं। कोई गाना जो आप गा के चर्चा के परिवार को सुनाना चाहें सर? कि आज ना तो काल मिलबू, अरे बानिए ही आस में। कि आज ना तो काल मिलबू, बानिए ही आस में।
कि प्यार हम करीले तोह से पहले कलास से, प्यार हम करीले तोह से पहले कलास से, बड़ा डर लागे तोहरा अरे बाबूजी के बास से, कि प्यार हम करीले तोह से पहले कलास से। ये गाना वैसे ओरिजिनल है किसका भाई? गोलू राजा का। गोलू राजा ने गाना गाया है, तो आप फॉलो किसको करते हैं भोजपुरी? भोजपुरी में तो मैं जिसका गाना अच्छा लगता है मैं सबको देखता हूँ। अच्छा, सबको सुनते सबको देखते। और कोई गाना जो आप सुनाना चाहें भाई? जी प्लीज। कि दर्द दिल के उनका अरे सुना तो न बा, कि कहीं के करा से कहल भिजा तो न बा, कि प्यार का होला उनका बुझा तो न बा, प्यार का होला उनका बुझा तो न बा, हमरा के भूला गईले जाने उ कहाँ गईले, रोज राह देखिले हो अभी ओले ना आईले, रोज राह देखिले हो अभी ओले ना आईले, अब जुदाई सनम के सहा तो न बा, कि प्यार का होला उनका बुझा तो न बा, प्यार का होला उनका बुझा तो न बा। जोगी भाई, इन केस मान लीजिए आपके फादर कहते हैं कि नहीं मुझे सिंगिंग की लाइन पसंद नहीं है, आप इस लाइन में ना जाओ, तो आप ये लाइन चुनोगे या फादर को चुनोगे? वो तो सर अपने ऊपर डिपेंड करता है। मान के चलिए कि अगर पिताजी कहते हैं तो उनको बातों को भी हम मानते हैं, ऐसा बात नहीं है, मगर हम पढ़ाई के साथ साथ अपना सिंगिंग को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मेरा सिंगिंग करियर। अगर कहते हैं कि सिंगिंग नहीं करना है तो आप क्या करेंगे, उन्हें चुनेंगे या फिर सिंगिंग को चुनेंगे? नहीं, सिंगिंग को तो हम छोड़ेंगे नहीं, अगर वो कहते हैं। फादर को छोड़ देंगे? नहीं, फादर को भी नहीं छोड़ेंगे, हम दोनों साथ लेकर चलेंगे। कैसे चलेंगे बताइए? क्योंकि मन के चलिए सिंगिंग भी हम कर लेंगे, पढ़ाई तो ही है, पढ़ाई मन के चलिए ग्रेजुएशन चल रहा है, तो मन के चलिए पढ़ाई तो। सिंगिंग कैसे करेंगे? बिकॉज आप कह रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं है, पैसे भी आपके फादर लगाते हैं। पैसा हम खुद कमाएंगे। पैसा कमाएंगे? कमाएंगे और अपने जैसे कि करियर में लगाएंगे। तो पढ़ाई फिर आपको छोड़नी पड़ेगी? हाँ, पढ़ाई तो मन के चलिए कि अपना चलता रहेगा, परीक्षा देते रहेंगे, उतना तो नॉलेज है कि परीक्षा मन के चलिए देकर पास कर जाएंगे। आपको लगता है कि ये तीनों चीज, फादर को लेके, सिंगिंग को लेके, पढ़ाई को लेके, प्लस तीन नहीं चार रोजगार भी करेंगे, ये चारों चीज लेके आप सरवाइव कर पाएंगे अपने जीवन अपनी लाइफ में? नहीं, किसी एक को तो चुनना ही पड़ेगा हमको, मन के चलिए कि वही मैं जानना चाहता हूँ, चर्चा का परिवार जानना चाहता है कि आप किसे चुने। से ही आज से हमको सिंगिंग करने के लिए, तो हम सिंगिंग को ही चुनेंगे। फादर को छोड़ देंगे? फादर को छोड़ेंगे नहीं, बल्कि फादर से अपने रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, अगर लगता है कि हम वैसा कर पाएंगे तभी सपोर्ट कीजिए, वरना तो हम तो खुद पर विश्वास रखते हैं कि मान के चलिए अगर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आप कर सकते हैं तो हम कर लेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं आपके फादर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपका बेटा इतना सक्षम है और कह रहा है, सोच रहा है, कॉन्फिडेंस है कि करना चाहता है, तो आप ज़रूर एक बार चांस देना, ताकि आपका बेटा ये ना कहे कि पिताजी आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि हर चीज़ में आपने सपोर्ट किया, अच्छे संस्कार दिए, कपड़ा दिया, रोटी दिया, मकान दिया, उंगली पकड़ के रास्ता दिखाया, पढ़ाई कराई, अब ये खुद पढ़ाई छोड़ेंगे, खुद रोजगार करेंगे, लेकिन आप इन्हें सपोर्ट ज़रूर करना। अगर आप इस क्षेत्र में आते हैं, आपके फादर भी आपको सपोर्ट करते हैं, 1% मैं दूसरे तरीके से सोचता हूँ, आप सक्सेस नहीं होते हैं तो दोष किसको देंगे? सक्सेस की तो सवाल ही नहीं है, जब परिश्रम करेंगे तो उसका तो फल मिलेगा ही मिलेगा। बहुत लोग भोजपुरी परिश्रम कर रहे हैं 10 साल से 15 साल से 20 साल से, वो भी अभी सक्सेस नहीं हो पाए हैं, तो 1% तो सोच सकते हैं, अगर नहीं हुए तो क्या होगा? ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा तो आज ना तो कल तो सक्सेस होना ही होना है। कैसे मेहनत करेंगे, क्या प्लान है आपका? खाली वैसे ही पैसा लेके जाएंगे, स्टूडियो में देंगे, रिलीज कर देंगे ना, क्या प्लान है आपका? उसके प्रति हमें मेहनत करना पड़ेगा। कैसी मेहनत? कैसी मतलब खुद को अपने उस लायक बनाना होगा, जिस लायक मने देखना है कि लोगों से हटकर हमें कुछ करना है, हमें लोगों की तरह नहीं रहना है, हमें लोगों की तरह नहीं सोचना है,
हमें लोगों से हटकर सोचना है, हमें अपना जो भी है डांस से लेकर सिंगिंग से लेकर हर एक स्टेप को फॉलो करते जाना है, तब तो हमको इस लाइन में डांस सिंगिंग, सिंगिंग में क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको पहले ऑब्जर्व करनी पड़ेगी? सिंगिंग में सबसे पहले तो मान के चलिए कि अपने सिंगिंग में पहले गाला को अपना देखिए, और जो राइटर लिखते हैं उनके गाना को समझिए कि वो क्या लिखे हैं, और उसके अनुसार मार्केट में छोड़िए, क्योंकि खुद अपना भी कोई दिमाग है तो सोचिए कि गाना क्या लिखा है, कि शब्द कौन ऐसा डाला जाएगा कि जो मार्केट में चला जाएगा, जो शब्द बार बार आ रहा है उस शब्द को नहीं, कुछ अलग शब्द को जोड़िए उसमें। देखिए आप लोग अभी भाई क्या बोल रहे हैं, एकदम फ्रेशर हैं, इस इंडस्ट्री में कदम भी नहीं रखा है, और आप लोग 5-5, 10-10 साल से गा भी रहे हैं, वो चीज़ें नहीं सोच पा रहे हैं जो आने से पहले सोच रहे हैं। ये चीज़ें सही बोल रहे हैं, आपको इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। भाई देखिए आपके कॉन्फिडेंस को देख के तो लग रहा है कि आप ये दीवार तोड़ देंगे, लेकिन और मेरी भी दुआ है कि आप ये दीवार तोड़ ही दीजिए, क्योंकि भोजपुरी में बहुत कम लोग दीवार तोड़ पाते हैं। और मैं आपको कहूंगा, आप गाने के टाइम पे ऐसा लग रहा था कि आपका गला फट जाएगा, इतना प्रेशर लग रहा था, नसें फूल रही थी, तो आप रियाज जरूर करिए। मैं जानता हूं कि आप अभी फ्रेशर हैं, रियाज करेंगे तो शायद ये चीजें नहीं होंगी। नहीं होगी, नहीं होगी, ये तो एकदम पक्का है कि नहीं होगी सर। चलिए आप बक्सर से इतनी दूर आए हैं, चलिए मुझसे तो आपने मिल लिया, अब वीडियोस लाइव होगी तो ये भी देखेंगे, इनसे आप क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से हम यही कहना चाहेंगे कि दर्शक नहीं है ये परिवार, परिवार हाँ हमारे फैमिली है, जो भी मन के चलिए हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर लगता है कि हम कुछ कर पाएंगे इस इंडस्ट्री में तो हमें भी आप सपोर्ट कीजिएगा। अगर हाँ, बहुत सारे ऐसे भी भाई लोग हैं जो कि मैंने सपोर्ट करना चाहते हैं आ कर नहीं पाते हैं, तो हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो भी भाई अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम उनकी एक एक बातों को फॉलो करेंगे और उनको गुरु समान मान कर चलेंगे। जो भी हमें खर्च करेंगे हम कहे हुए बातों को अनफॉलो नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है। कहने का इनका मतलब है कोई अगर त्रुटि, कोई गलती भी होती है तो आप इन्हें बताइए, उसको वो सुधारेंगे और आप लोग हिसाब से चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप बक्सर से यहाँ चल के आए। जब कोई बाहर से चल के आता है तो कुछ दुबे का और चर्चा टीम का सर और ऊँचा हो जाता है कि चर्चा का औहदा और आप लोगों ने इतना बड़ा कर दिया है। तहे दिल से अभिनंदन और शुक्रिया। आप जो करना चाहते हैं माँ भगवती माँ विंध्यवासिनी मनसा देवी आपको उसमें आगे बढ़ाएं। फिर से आपको नमन करते हैं और धन्यवाद।